हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज मैं यहाँ पे पेज नंबर 47, जो आपके बुक में रहस्य लेसन के एंड में यहाँ पर चित्र दिया गया है और लिखा है, चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। तो हमें यहाँ पे कारक लिखने हैं जिसमें जो वाक्य के साथ में लगाए जाते हैं तो उसे हम कारक कहते हैं। तो इसके हमें यहाँ पर जोड़ियाँ बना मतलब जोड़िया नहीं सॉरी सेंटेंसेस लिखने के लिए कहा गया है। तो ये सारे सेंटेंसेस मैं आप लोगों को रीड करके भी दिखाती हूँ और आप लोगों को सेंटेंसेस भी दिखाऊंगी, ताकि एग्जाम में अगर ये फोटो तो आपको आता है या इससे रिलेटेड कोई दूसरा और आता है तो किसे कंप्लीट कैसे करोगे आप, ये इजीली आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट एक दिया हुआ है सेंटेंस बनाकर, मछुआरे ने जाल फेंका। अभी मछुआरे ने लिखा है ना, इसीलिए ने ये कारक बन जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद लड़की मछलियाँ मछलियों के लिए पानी में दाना डाल रही है, तो मछलियों के लिए ऐसे है ना, तो के ये वर्ड आ गया साथ में तो कारक का होता है। थर्ड सेंटेंस है, महिला का लड़का आ रहा है। अब महिला का लड़का, तो का जो है वो कारक है। फिर उसके बाद, अरे बेटा तुम आ गए, ऐसे अभी सपोज वो बोल रही है अरे, तो अरे ये भी एक क्या हो गया, ये कारक का पार्ट हो जाता है। एक आदमी नारियल के पेड़ पर चढ़ रहा है, तो एक आदमी नारियल के पेड़ पर चढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी एक कारक आ जाता है इसमें। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, इसने पेड़ से एक आदमी, यहाँ नहीं तो ऐसे लिखिए, यहाँ पेड़ से एक आदमी नारियल तोड़ रहा है। एक आदमी आप देख सकते हो यहाँ इस पिक्चर में ऊपर चढ़ा है और वो पेड़ से नारियल तोड़ रहा है ना, तो इसीलिए से क्या बन जाएगा, कारक। इसके बाद है औरत, कहाँ पर औरत दिखाई दे रही है, ओके यहाँ पर औरत गिरे हुए नारियल को टोकरी में इकट्ठा कर रही है। तो टोकरी में, तो संज्ञा के साथ में जो आता है वो बन जाता है कारक। एक आदमी नाव से जा रहा है, तो एक आदमी नाव से जा रहा है, तो ये भी बन जाएगा कारक। तो मैं ग्रामर भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें हम कारक अलग अलग जो होते हैं वो देखेंगे, उसके प्रकार भी देखेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को सेंटेंसेस दिखा देती हूँ। तो बच्चे यहाँ पर जो कारक के सेंटेंसेस है टोटल 8 सेंटेंस, वो सारे सेंटेंस मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिए है, तो इसे अच्छे से आप लोग लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पर अंडरलाइन करके भी बताया गया है कारक को, वो अंडरलाइन करके भी लेना, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक और शेयर करो। बाय बाय।